वह अद्भुत सृष्टि है। यहाँ के जीव अति मनमोहक है, किंतु फिर भी कोई कार्य शेष है, इसका कारण मुझे अभी ही ज्ञात करना होगा। ओ प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम देवी। हे ब्रह्मदेव, मुझे मेरी उत्पत्ति का उद्देश्य बताइए। हे देवी, मेरी इस सुंदर सृष्टि में जो सुनापन है, कृपा करके उसे अपनी वीणा की मधुर झंकार से वाणी प्रदान करें। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। हे देवी, आपको इस भूलोक में सरस्वती, भारती, शारदा आदि कई नामों से पूजा जाएगा। अनुग्रहित तो अस्मि, धन्यवाद ब्रह्मदेव। नमो शारदा, नमो शारदा, नमो शारदा। Thank you.
or more information on Vasant Panchami. सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपी विशालच्छे विद्याम देहि नमस्तुते विद्याम देहि नमस्तुते। परम सम्माननी विद्यालय के संरक्षक कर्णधार रमणी भाई जी, विद्यालय के सलाहकार एडवाइजर सर एवं प्राचार्य तथा अन्य मंचस्थ सभी महानुभावों का और यहाँ उपस्थित सभी विद्वत जनों का और प्यारे प्यारे छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन 74वें गणतंत्र दिवस और माँ सरस्वती के प्राकट्य दिवस पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। पुराणों के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी का आविर्भाव हुआ था, प्राकट्य हुआ था। हम इस पर नजर डालें तो सर्वप्रथम ऋग्वेद के एक मंत्र में गायत्री जी का जो है उल्लेख मिलता है, जहां पर लिखा गया है देवी तमे नदी तमे अम्बे तमे सरस्वती, अर्थात देवियों में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ और माताओं में श्रेष्ठ सरस्वती जी है। इसका अर्थ होता है कि इस ब्रह्मांड की संपूर्ण संरचनाओं में वास करने वाली माँ सरस्वती जी है। सरस्वती शब्द का जो उत्पत्ति हुई है वह संस्कृत के सरस और वती शब्द से हुई है। सरस का अर्थ होता है जलयुक्त या वाणी, मीठी वाणी, सरस वाणी, और वती का अर्थ होता है धारण करने वाली, अर्थात जो सरस जलयुक्त वाणी को धारण करके पूरे संसार में मधुरता और सरसता को व्याप्त करने वाली देवी है वे माँ सरस्वती है। सरस्वती शब्द के विश्लेषण अगर करें तो माँ सरस्वती जल से शुद्ध, परिष्कारों से परिपूर्ण होकर के सरसता के सकोमलता के साथ जो है स्थापित करने वाले इस संसार की सृजनात्मक समस्त सृजनात्मक चीजों में उनका वास होता है। तो माँ सरस्वती अद्भुत है, अनोखी है। मैं इनके रूप का वर्णन अगर करूं तो मैं पाता हूं कि माँ सरस्वती कमल पर विराजमान है। कमल हमें यह सीख देता है कि हम भले ही गंदे वातावरण में हों, भले ही हम गंदे जगह पर पैदा हों, लेकिन हमें अपने कर्मों से उच्च स्थान प्राप्त कर लेना है। अपने कर्मों के बल से हमें उच्च स्थान प्राप्त करना है। हंस जो है उनका वाहन है वह श्वेत रंग का है, उनका वस्त्र भी श्वेत रंग का है, वह सतोगुण का प्रतीक है। हंस हमें यह सीख देता है कि हमें तात्विक तत्वों को ही ग्रहण कर लेना चाहिए, वह क्षीर सागर में से मोती चुन लेता है, जो हमें सीख देता है कि अच्छे गुणों को ही हम ग्रहण करें। उनका अन्य जो है स्वरूप में अगर हम देखें तो हाथ में पुस्तक है, वह पुस्तक हमें यह सीख देता है कि ज्ञान हमें ग्रहण करना चाहिए। माला जो है ध्यान शक्ति की तरफ आकर्षित करता है तो बीड़ा वादिनी सृजनात्मक शक्ति, बीड़ा वादिनी अर्थात उनके हाथ में जो बीड़ा है जिसके लिए वो बीड़ा वादिनी कही जाती है, वो हमें समस्त सृष्टि की सृजनात्मकता का प्रतीक माना जाता है। अर्थात इस समस्त सृष्टि में जितना सृजनात्मकता आई है उस बीड़ा की झनकार से ही उत्पन्न हुई है। बीड़ा की झनकार से उत्पन्न होने के कारण वह ज्ञान है और
समस्त ज्ञान से ही परिपूर्ण माँ सरस्वती है, तो इसीलिए उन्हें ज्ञानदायिनी भी कहा जाता है। तो ऐसे ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती से मैं आज विनम्र निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, न मुझे धन दौलत चाहिए, मुझे न धन दौलत चाहता हूँ, न शोहरत चाहता हूँ, न ये जमीन चाहता हूँ, न ये आसमां चाहता हूँ, बस हमारे बच्चों में वह शक्ति दे दे माँ, जिससे इनका जीवन संवर जाए, बस आज यही चाहता हूँ, बस यार यही चाहता हूँ, बस यार यही चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you.